नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज ये मेरे पास में एक लैपटॉप आया है iball का, तो इसमें प्रॉब्लम है कि ये ऑन नहीं हो रहा है। तो अभी हम इसका एडाप्टर लगा के देखते हैं। आप देख सकते हैं कि एडाप्टर लगाने के बाद पावर आ रही है और चली जा रही है, मतलब इसके बोर्ड में कोई प्रॉब्लम है या बैटरी में कोई प्रॉब्लम है। तो दोस्तों भी हम चेक करेंगे इसको। तो इसका बैक पैनल खोलेंगे हम, इसके सारे स्क्रू निकाल देंगे। तो अभी हम पहले इसका बैटरी कनेक्टर हटाते हैं यहाँ से, और बैटरी को निकालते हैं बाहर। ये देखिए बैटरी बाहर आ गई। तो इसका कनेक्टर है और इसको भी हम चेक करेंगे कि बैटरी की वोल्टेज क्या है। बैटरी की वोल्टेज इसमें नॉर्मल वोल्टेज है इसका 3.7 और मैक्सिमम है 4.2 वोल्टेज। तो मल्टीमीटर के द्वारा अभी इसको चेक करते हैं वोल्टेज को, बैटरी में वोल्टेज कितनी आ रही है। माइनस पे ब्लैक पे ब्लैक लगाएंगे और रेड पे रेड। तो बैटरी वोल्टेज इसकी नॉर्मल है, तो हो सकता है बैटरी की वजह से भी बैटरी में कोई फॉल्ट हो। तो ये हम चेक करेंगे इसका डीसी जैक से वोल्टेज बैटरी कनेक्टर पे आ रहा है या नहीं। डीसी कनेक्टर पे वोल्टेज आ रहा है। इसमें कुछ लिक्विड जैसे गिरा हुआ है, तो हो सकता है कि कोई इसका पावर सेक्शन में प्रॉब्लम है। तो दोस्तों ये था ट्रबल शूटिंग इसका अपना iball लैपटॉप का। तो अभी हम इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे कि बोर्ड कैसे डायग्नोस करते हैं। अच्छा दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है मेरा जो है फर्स्ट वीडियो देखा और उसमें काफ़ी सारे लाइक और शेयर किया। आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस वीडियो को भी आप लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियो दे सकूँ।